लोजपा प्रमुख एवं सांसद चिराग पासवान ने एक बार फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशाना साधा है। चिराग पासवान ने कहा है कि आज बिहार में अपराध चरम पर है, शराब से लोगों की मौत हो रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपनी प्रधानमंत्री बनने की ख्वाहिश लिए देश के दौरे में व्यस्त हैं। उनको बिहार के विकास एवं बिहारियों की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं है। इतिहास निकाल कर देख लिया जाए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन भी योजनाओं का शिलान्यास किया है उनकी क्या स्थिति है? या तो वह अधर में लटक गए या फिर सरजमीन पर वह फलीभूत नहीं हो सका। मुख्यमंत्री ने सिर्फ बिहार को ठगने का काम किया गया है। आम लोगों की मांग पर उन्होंने कहा कि जिस वक्त उनके पिता रामविलास पासवान रेल मंत्री थे उसी वक्त हाजीपुर बछवारा रेलवे लाइन दोहरीकरण का उद्घाटन हुआ था। तत्कालीन रेल मंत्री रामविलास पासवान ने लोगों से वादा किया था कि इस रूट से जितनी भी गाड़ी जाएंगी उनका ठहराव बछवारा में होगा, लेकिन आज अधिकांश गाड़ियां ऐसी हैं जिनका ठहराव बछवारा जंक्शन पर नहीं है। उन्होंने लोगों से वादा किया कि इस संबंध में रेल मंत्री से बात की जाएगी और उनके पिता के किए गए वादे को सफल बनाने की कोशिश की जाएगी। चिराग पासवान बुधवार को बछवारा प्रखंड के आज़ाद नगर पहुंचे थे, जहां उन्होंने वीर चौहरमल पूजा एवं मेला में भाग लिया। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता एवं आम लोगों ने उनका स्वागत किया। आप लोगों का ये प्यार ही था जिसने चिराग पासवान को विपरीत परिस्थिति में भी मजबूती दी, जिसने चिराग पासवान को मेरी पार्टी के मेरे परिवार के कठिन दौर में भी आप लोगों के प्यार और आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से ही मुझे वो ताकत हकीकत है। बड़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा, बड़ी से बड़ी शक्तियों ने प्रयास किया पासवान को समाप्त करने का। पिछले दो साल अगर आप देखें, बड़ी बड़ी शक्तियों बड़ी बड़ी ताकतें इस प्रयास में रही कि किस तरीके से चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए, चिराग पासवान की राजनीतिक हत्या कर दी जाए। पर आप लोगों के आशीर्वाद ने, आप लोगों के प्यार ने न सिर्फ चिराग पासवान को जीवित रखा बल्कि इतना ताकतवर आज की तारीख में बनाया कि हम लोग वीर बाबा चौहरमल जी के सपनों को पूरा कर सके। और मेरे नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी के सपनों के बिहार को हम लोग ये ताकत आप लोगों ने मुझे दी, नहीं तो बड़ी बड़ी ताकतें सिर्फ और सिर्फ इस लक्ष्य में लगी हुई थी और आज भी लगी हुई है। आज भी लोग प्रयासरत है भैया कि चिराग पासवान को समाप्त कर दिया जाए। क्यों चिराग पासवान से इतनी नफरत? क्यों चिराग पासवान से इतनी शिकायत? क्यों क्या कसूर है भैया चिराग पासवान का? चिराग पासवान का कसूर बस इतना ही है ना कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर शिक्षा की बात करता है, बिहार में ही बिहारियों को रोजगार देने की बात करता है। चिराग पासवान का यही कसूर है ना कि चिराग पासवान बिहार में बेहतर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करता है, बिहार के किसानों की बात करता है, बिहार के मजदूरों की बात करता है, बिहार की महिलाओं की सुरक्षा की बात करता है, बुजुर्गों के सम्मान की बात करता है, युवाओं के बेहतर भविष्य की बात करता है। यही कसूर है भैया चिराग पासवान का, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास ना तो आय से ज्यादा संपत्ति है, ना कोई कोर्ट कचहरी में हमारे ऊपर कोई मुकदमा चल रहा। पर तमाम लोग लगे हुए हैं कि चिराग पासवान क्यों विकसित बिहार बनाने की बात करता है। सब लोगों को चिराग पासवान से नफरत इस बात की है कि क्यों चिराग पासवान बिहार में बिहारी युवाओं की आवाज बन रहा है, क्यों ये महिलाओं की आवाज बन रहा है, क्यों ये बुजुर्गों की आवाज बन रहा है, क्यों चिराग पासवान बिहार को आगे लेकर जाने की बात कर रहा है। यही शिकायत है में रहा हूं,
संबंध में मैंने काम किया और मैंने देखा है भैया कि किस तरीके से आजादी के 75 साल के बाद ये तमाम प्रदेश विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़े। जब देश एक साथ आजाद हुआ, जब तमाम प्रदेश एक साथ आजाद हुए, तो क्यों कई दिल्ली मुंबई जैसे चमचमाते शहर बने और एक तरफ हमारा बिहार प्रदेश जहां आज भी आजादी के 75 साल के बाद आज भी हम लोग मूलभूत जरूरतों के अभाव से चित रहे हैं। आप जाइए दिल्ली मुंबई, दिल्ली मुंबई में जब कोई विकास की बात करता है ना, तो बात करेगा मल्टीप्लेक्स की कि कैसे बड़ी बड़ी दुकानें वहां पर खुले, बात करेगा मेट्रो की, अब तो बात करता है बुलेट ट्रेन की। और हम लोग जब बिहार में विकास की बात करते हैं तो हम लोग की सोच आज भी और अंत में ये विश्वास आप लोगों को दिलाकर चाहता हूँ कि चिराग पासवान जब तक जिएगा आप लोगों के लिए जिएगा और जब मरेगा तो भी आप लोगों के लिए मरेगा। ये बात आप लोगों से बोलना चाहता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर से इस चिलचिलाहट की धूप में, इतनी गर्मी में आज जब कार्यक्रम लगा और हम जब पटना से निकले भैया, हम देखे 41 डिग्री का टेम्परेचर, हम बोले इस टेम्परेचर में इतनी धूप गर्मी में कौन आएगा भैया, पर आज यही ताकत है हमारी और यही और हकीकत है आप लोगों के सिवा हमारा कोई नहीं है। आप ही हमारे चाचा हैं, आप ही हमारे भाई हैं, चाची आप ही हमारी चाची बहन माँ सब आप लोग हैं। बस ये प्यार या आशीर्वाद ऐसे ही देते रहिए। बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वीर बाबा चार मल की, वीर बाबा चार मल की, वीर बाबा चार मल की, वीर बाबा चार मल की। आदरणीय रामविलास पासवान हमारे, आदरणीय रामविलास पासवान हमारे।